जितेंद्र बाबू मु आसीबे आपन भाग गणेश बाबू मु आसी परवर्त समय आपन भाग फेरिबी जितेंद्र बाबू पाखु जिबाकु चाहिबी जितेंद्र बाबू जो कथा आपन कहले आपन जो तथ्य केवल कटक शहर कथा कहतुले भेंडिंग जोन आधार रे जदि उठा दुकानी चयन करा जाउची ताहले कोन सबु शहर रे भेंडिंग जोन अछि कि एवं केवल भेंडिंग जोन रे जो माने रहउछंती से माने कोन केवल उठा दुकानी बाकी अन्य माने जो माने रास्ता कडरे बिक्री करउछंती के ठेलारे बिक्री करुछि से माने कोन उठा दुकानी भीतर आसु नाहंती कि एवं से समस्तंकर पंजीकरण करा जाय छि कि मते जहां अनुमान लागिला राज्य सरकार जो सर्वे करिछंती ए सर्वेटा सीओ जे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर अर्बन एरिया रे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर स्थानीय विजु जनता दल नेता माने ए उठा दुकानी चिन्हट करिछंती तारो सटीक तथ्य प्रमाण आम पाखे अछि जो 87657 जन करिछंती एटा विजु जनता दल उठा दुकानी योजना करंतु जे के केवल विजु जनता दल रो उठा दुकानी माने एटा पाइबे आ अलगा लोक पाइबे नाही कारण तार सविशेष तथ्य आम पाखु आसंतु जो अधिकारी अछंती जो मंत्री अछंती मु सामना सामने ताकु प्रश्न पचारछि आपण को आधार रे एटा चिन्हट करले 87657 कटक शहर रे 15 रु 20000 उठा दुकानी अछंती तांकर चिट्ठा नाही 3423 जनकर चिट्ठा मते देले 2017-18 रे आज्ञा 2017-18 रे जो माने सर्वे करथिले से माने कोण 20 जायके अछंती 20 रे जोटा फन्नी हेतला 19 रे फन्नी अंफान हेतला से नुओ ये योजना केवल विजु जनता दल रो कर्मी एवं जो माने चामचा अछंती जो माने रैली की जाई परिबे सरकारकर पतगा धरि परिबे ये योजना केवल सेई मानक पई आइछि जो 87657 जनक पई आइछि 27 कोटि टंका 27,29,71,000 जोटा व्यय हम से नवीन बाबू ये योजना कर दिखता विजु जनता दल उठा दुकानी योजना केवल विजु जनता दल लोक ही पाइबे व्यतीत आई पाइबे ना कारण ताकू खोलाखोली प्रश्न पचार विभागीय मंत्री की खोलाखोली आम प्रश्न पचारु आप हिसाब से सठिक चयन कले तथ्य लोकलोचन को आणतु आउ ये उठा दुकानी कौ कौ सहर में कौ कौ वार्ड में केते उठा दुकानी नाम ठिकना ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରନ୍ତୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଚାରକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଚାହୁଁଛି ଯେ କି ସରକାର ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସରକାର 5T ତାହେଲେ ଯେତକ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଆମେ ତଥ୍ୟ ମାଗୁଛୁ ଆପଣ ତଥ୍ୟ ଲୁଚଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ତଥ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଠୁ ଆମେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ କହୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଯୋଜନା ନାଁରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠି ଏ ପାଣ୍ଠି ସେ ପାଣ୍ଠିରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲୁଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକା ସଂସ୍ଥା କାମ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ଅଛି ତାଙ୍କ କର୍ମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳର ଚାମଚା କେମିତି ଚଳିବେ ସେ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ।